देखो इक्वेशन पहला है यहाँ पे 126 नंबर, ये आपके इसमें पशुपालन का 6 नंबर टेस्ट है ना, इससे पहले 5 टेस्ट हो चुके हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है कि वह औषधि जो पेट के कीड़े मारने के काम में आती है। देखो लगभग इसमें नाम से पता चल रहा है कीड़े मारने के लिए कौन सी होगी, यहाँ पे कृमिनाशक होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है भेड़ में पेट के कीड़े मारने हैं तो कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। अब देखो भेड़ के अंदर स्पेशल तौर से दे रखा है यहाँ पे, और हमने लिख रखा था छोटे पशुओं के अंदर कीड़े मारने के लिए यह दवा काम में ली जाती है। भेड़ नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन वहां पर यह लिखा था नोट्स के अंदर कि छोटे पशुओं के अंदर पेट के कीड़े मारने के लिए यह दवा काम में ली जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, कॉपर सल्फेट हो जाएगी, इसके अंदर ध्यान में रखना। फिर अगला इसके अंदर क्वेश्चन है 128 नंबर, इसमें दे रखा है यहाँ पे बोरिक अम्ल है। अब देखो जीवाणु रोधक है या कृमिनाशक या उत्तेजक या प्रतिजैविक है, यहाँ पे जीवाणु रोधक होगा ना यहाँ पे, क्योंकि बोरिक अम्ल है, ये जीवाणु रोधक औषधि हो जाएगी यहाँ पे। अगला है 129 नंबर क्वेश्चन, वह औषधियां जो आंतों व अमाशय से गैसों को बाहर निकालने के काम में आती है, उन औषधियों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्मिनेटिव औषधियां कहते हैं, ध्यान में रखना, क्या कहते हैं, कार्मिनेटिव। अगला है यहाँ पे कपूर वे एल्कोहल औषधियां हैं, कपूर का तो नहीं लिखा था लेकिन एल्कोहल का हमने लिखा था, उत्तेजक औषधियां होती है, तो वहां पे कपूर भी साथ में आप लिख लेना, ठीक है ना, कौन सी औषधि होगी यहाँ पे, उत्तेजक औषधियां, ये कपूर है लिखा है वहां, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं ये तो लिख लेना वहां पर, है ना, और ये एल्कोहल, इस एल्कोहल से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कौन सी हो जाएगी, उत्तेजक औषधियां। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 131 नंबर क्वेश्चन, अब आप इसके अंदर देखो यहाँ पे किसी पशु की उम्र 11 वर्ष तो पशु के सिंगों पर छलों की संख्या, दो घटाना ही तो होता है, उम्र दे रखा है तो छलों की संख्या पूछिए तो दो घटाना होता है यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 9, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर देखो क्वेश्चन है, किसी पशु के सिंगों पर छल्ले की संख्या 8 है तो पशु की उम्र कितनी होगी, दो जोड़ नहीं तो है, कितना हो जाएगा इसका, देखो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है भैंस का, है ना, कहीं पर भी नहीं दे रखा है, तो आपको दो ही ऐड करना है वहां पे, दो ही ऐड करना, ट्वेल्थ के बाद में अगर आप पढ़ते हो ना, ट्वेल्थ के बाद में अगर एग्रीकल्चर में पढ़ते हो ना, तो वहां पे डीपली दे रखा होता है कि भैंस के अंदर वो आपके 4 साल में पहला छल्ला बनता है। अगला इसके अंदर है 133 नंबर क्वेश्चन, बछड़े को मां के साथ में रखकर पालना क्या कहलाता है, यहां पे कहां पे चला गया, मां के साथ में पालना क्या कहलाता है, सकलिंग, और अलग पालेंगे उसको हम क्या कहते हैं, विनिंग कहते हैं, अलग पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। पशुओं में अमाशय का वास्तविक भाग कौन सा होता है, जिसको हम वास्तविक पेट भी कहते हैं, आपके एबोमेजम वाला पार्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्यूडो रुमंती, जिसको हम आभासी रुमंती के नाम से जानते हैं, तो अमाशय का कौन सा भाग नहीं होता है, ओमेजम भाग नहीं होता है, कौन सा भाग नहीं होगा, ओमेजम, ये वास्तविक पेट तो होगा सबके अंदर लेकिन ओमेजम वाला भाग नहीं होता है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है 136 नंबर, अमाशय का कौन सा भाग अखाद्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करता है, जिन पदार्थों का ध्यान में रखना पाचन वगैरह नहीं होगा, जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह, तो वो जो भाग इसके अंदर रहेंगे वो कौन से भाग में रहेंगे, रेटिकुलम वाले भाग में ही तो रहेंगे, किण्वन की प्रक्रिया कौन से भाग में, रुमेन में, वो सारी इस रेटिकुलम भाग के अंदर होगी, ठीक है ना, अखाद्य वस्तु है, ध्यान रखना। अगला है सोलिपेड होते हैं, बताओ सोलिपेड का मतलब समझ रहे हो, जिसमें खुर है वो सिंगल होता है, विभाजित नहीं होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सोलिपेड, इनमें से मैंने ऑप्शन में सही बकरी दिया था या कोई नहीं दिया था, सही दिया, मैंने पॉलीपेड का लिखा था, और मैंने उस दिन कहा था भी था आपको कि पिछले टेस्टों में से क्वेश्चन आएंगे, अगर ये गलत है मतलब आपने पीछे वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे होंगे वापिस, पॉलीपेड था। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो कोई एकाध कोई एक दो क्वेश्चन और आ गए बाहर से, आपको कि सर लिखा है वह नहीं है, किसको बोलोगे आगा आपका है, फिर क्या हो जाएगा, बोलने से आपका जीव राजी हो सकता है लेकिन नंबर तो नहीं आ सकता ना,
इसलिए आपको खुद को कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखनी पड़ेगी और वो सीखोगे आप किताब से। इतनी बड़ी कोचिंग लगती है सब जगह, क्या 100% उसमें से आता है क्या पूरा जो वो लिखवाते हैं? कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बस वो जो सिलेबस दे रखे उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा सकते हैं। अगला है बॉस टोरस। पहली बात तो गाय की है और वो भी कौन सी नस्ल है, और टोरस आता तो कौन सा होता, देसी। तो ये बॉस टोरस है ना, और इंडिका आता तो देसी, और टोरस है मतलब कौन सी हो जाएगी, विदेशी नस्ल। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर नेक्स्ट अगला दे रखा यहां पे पशु गणना 2019, कौन सी पशु गणना थी, सिंपल सा सवाल। अगला है नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भैंसों की संख्या 13.7 मिलियन। अगला है कथानी किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है ना। अगला है वेनिसन हिरण वन में वास या वन में शरण करता है, तो हिरण का मांस उसको हम कहते हैं वेनिसन। अगला है NBAGR के द्वारा प्रमाणित पशुओं की नस्लों में से गाय वे भैंस की नस्लें कितनी है, यहां पे गाय की कितनी नस्लें थी टोटल 53, और भैंस की नस्लें कितनी थी 53 और 20। अगला बिनोला देखो ये तो आपको, अगर पहली बात तो मैंने सोचा था जो आगे हम पढ़ेंगे अभी जो चैप्टर चल रहा है किताब से तो हो जाएगा, लेकिन दो दिन बीच में किताब पढ़ी नहीं, इस कारण से एक तो ये क्वेश्चन रह गया। और ये क्वेश्चन पहली बात तो ये जनरली सबको आना भी चाहिए। बिनोला कपास यार जिकी खड़ हुए ना, ये कपास यार बीज ने आप बिनोला क्या करा, कपास यार बीज या कपास यार खड़ तो जानो ना, तो कपास यार बीज हुए ना बिनोला क्या करा, तो बिनोला किस फसल से प्राप्त होता है, तो कपास की फसल से, ध्यान रखना। अगला देखो मेहसाणा नस्ल की भैंस में प्रति ब्याद कितना दूध होता है, 1200 से 1700 लीटर दूध, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखना। देसी गाय के अंदर यौन आरंभ कब शुरू होती है, 24 से 30। संकर गाय और विदेशी गाय दोनों के अंदर 18 से 24। टोला क्या बताओ, ऊंटों का समूह क्या कहलाता है, टोला। कैपोनाइजेशन मुर्गों में प्रजनन क्षमता को समाप्त करना क्या कहलाता है, कैपोनाइजेशन। हिलीब क्या है, ऊंट का मांस, हिलीब। अब यहां पर विदेशी गाय में यौवन आरंभ शुरू होती है कब, विदेशी गाय या संकर गाय, ध्यान में रखना। इन दोनों के अंदर यौवन आरंभ पहले शुरू होती है 18 से 24 महीने, ए ऑप्शन इसका करेक्ट। अब तो ये पूरे के पूरे सही किसके है, सारे सही है। जरा तू काल के उन बिनोलाल गलत हुई गो, काल के उन बिनोलाल गलत हुई गो, यानी कहे हो गई। चौबीस किसके सही है, 23 भी नहीं है, 22, 1, 2, 21 बाईस, 21, 20, 19, नंबर कम सरल ही था, पेपर हार्ड काम पे था है? और वो आपको पसंद है नहीं पहले।